इसका एक ही कमरा है तो इसी में 1 से 5 तक के बच्चे को बैठाया जाता है, सब बच्चे पढ़ते हैं। अब व्यवस्था में आप देख ही रहे हैं, बाउंड्री है नहीं, और कोरोना के पहले से ही वो टूटा था, तब से फिर वो बिल्डिंग भी वैसे ही पड़ी है और बाउंड्री भी पूरा खुला हुआ है। नहीं, लैट्रिन तो नहीं है, लैट्रिन का टैंक वो कोरोना में टैंक का पत्थर तोड़ ओड़ दिए थे तो उसका सब ऐसे ही खुला ही पड़ा है। कोई फील्ड है जो है वो भी खुली है तो इसलिए बच्चों को बाहर भी जल्दी नहीं निकलने दिया जाता है कि गाय वाय आ जाती है, खुला रहता है। अब ये कोरोना पीरियड के पहले का ही बना है बिल्डिंग, उसके बाद से अभी कोई ना आया ना कुछ सूचना हुई कि कब से बनेगा, बात नहीं करूंगा। लेकिन जैसे हमको मल्टीपल हैंड वॉश बनवाना है, कहाँ बनवाएं हम, शासन की इच्छा थी। हैंडपम्प नहीं है हमारे पास, सबसे पहली चीज़ हमारे पास हैंडपम्प और शौचालय नहीं है, कमरे नहीं है, इनकी ज़रूरत है। यहाँ पर जो मेन मुख्य जो हमारी आवश्यकता है वो है कि यहाँ पर कमरा हो, भवन हो, रसोई घर हो, हैंडपम्प हो, शौचालय हो, जो मूलभूत सुविधाएं हमारी सरकार सारे बच्चों को दे रही है जैसा कि शासन की मंशा है और वो पूरा भी कर रही है, तो वो चीज़ इस विद्यालय में होनी चाहिए।